दोस्तों स्टोरी सुनना तो हम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन स्टोरी को पढ़ने में हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अबू जायद और आप देख रहे हैं टेक्निकल साइबर है। दोस्तों इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी समझ तो सकते हैं और थोड़ा बहुत बोल भी लेते हैं, लेकिन उसको हिंदी पढ़ना या लिखना बिल्कुल भी नहीं आता। दोस्तों ऐसे भी लोग हैं जो देख नहीं पाते या पढ़ना नहीं जानते। दोस्तों इन सारे लोगों के लिए एक ऐप है जो ऑटोमेटिकली किसी भी स्टोरी को पढ़ सकता है, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में या चाइनीज में। कैसे, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड करना होगा, तो उसके लिए चलते हैं प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आने के बाद प्ले स्टोर के सर्च बार पर लिखना होगा वॉइस अलाउड, VOICE ALOUD अलाउड, वॉइस अलाउड लिखकर सर्च करना होगा। सर्च करते ही जो पहला नंबर पर है उस पर क्लिक करना होगा। दोस्तों आप देख सकते हो इसका रेटिंग 4.4 है, इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा ऐप है। तो चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए पहले इंस्टॉल फिर एक्सेप्ट पर क्लिक करना होगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आपको कुछ लिखकर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस डिस्क्रिप्शन पर जो लिंक है उस पर क्लिक कर दीजिए, वो लिंक ही आपको इस वाले पेज पर ले आएगा। ये डाउनलोड हो चुका है, अब ये इंस्टॉल भी हो गया। चलिए अब इसको ओपन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा, तो चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। वॉइस मैनेजर पर क्लिक करके सिस्टम डिफॉल्ट वॉइस को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद सिस्टम TTS सेटिंग्स पर क्लिक करके TTS इंजन को सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों मेरे पास गूगल TTS इंजन है और यहाँ पर इंडियन इंग्लिश पहले ही सिलेक्टेड है एज ए डिफॉल्ट लैंग्वेज। आप एग्जाम्पल पर क्लिक करके उसको सुन सकते हो। This is an example of speech synthesis in English. तो चलिए सेटिंग्स आइकॉन पर क्लिक करके इसको चेंज कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज है, आप जिसे चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप फिर से एग्जाम्पल पर क्लिक करके इसे सुन सकते हो। यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ये ऐप कैसे काम करता है। दोस्तों सबसे पहले आप जिस टेक्स्ट फाइल को पढ़ना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना होगा, उसके लिए ऊपर फाइल आइकन पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आप उस टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो या कहीं से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो चलिए कुछ कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने के लिए सिंपली गूगल पर जाएंगे और हिंदी स्टोरी लिखकर सर्च करेंगे। आप चाहे तो कुछ भी सर्च कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं पहला वाला ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद सिंपली जो है इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब चलिए इसको पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट करने के लिए सबसे पहले ऊपर स्लॉट पर फिर पेस्ट टेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब सुनिए। कहानियों का हमारे जीवन पर एक अद्भुत असर होता है। एक छोटी सी कहानी हमारे विचारों में बड़ा बदलाव ला सकती है। हैप्पी हिंदी पर हम केवल चुनिंदा ऐसी कहानियां ही प्रकाशित करते हैं जो वाकई में हमारे जीवन में परिवर्तन ला सके। हमें उम्मीद है कि ये हिंदी स्टोरीज आपकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगी। दोस्तों अगर आप चाहो तो इसकी बोलने की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हो और इसकी पिच को भी कम या ज्यादा कर सकते हो। दोस्तों आप सुनिए। कहानियों का हमारे जीवन पर एक अद्भुत असर होता है। एक छोटी सी कहानी हमारे विचारों में बड़ा बदलाव ला सकती है। हैप्पी हिंदी पर हम केवल चुनिंदा ऐसी कहानियां ही प्रकाशित करते हैं जो वाकई में हमारे कहानियों का हमारे जीवन पर एक अद्भुत असर होता है। एक छोटी सी कहानी। दोस्तों अगर आप चाहो तो इसे रीसेट TTS पर क्लिक करके पहले जैसा कर सकते हो और क्लियर कंटेंट पर क्लिक करके इसे डिलीट भी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप इस ऐप के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपकी कोई सवाल है सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।